2009 2010 और 2011 में एनसीटी से अप्रूव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने वोट कमाने के लिए वो भी कुछ व्हाट यू वांट टेल मी आप लोग क्या करते हैं गिरफ्तारी क्या पे सर किसकी पुलिस प्रशासन से हम इतना चाहते हैं मरोगे कुछ भी क्या अकल नहीं लड़ने की तुम लोगों को भैया लड़ने का तरीका जो होता है ना ये सब कुछ है भगवान है क्या खुदा है यहाँ चलाएंगे हैं और भी कुछ काम हो सकता है कोर्ट के द्वारा हो सकता है ना दो आदमी बेहतर रास्ता बताते कैसे जल जाएंगे हमारे चल कर हमारा आश्वासन नहीं मानता है तो मत मान आश्वासन कर रहे हो तो मत मान आपसे जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे अपना कहना है कि आप लोग घर जाइए और फिर बैठने की जगह फिर भी आइए फिर बैठ जा रहा हाँ कोई बात ना हो यू अंडरस्टैंड नहीं मेरा ये कहना है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा बट उसके लिए समय देना पड़ेगा या देना पड़ेगा इसे इतने महीने में पूरा करिए आप 400 खत्म हो जाती उसके बावजूद भी उन्हें समय लेना पड़ता है क्योंकि जब 150 लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है तो उसकी विवेचना भी उतनी बड़ी हो जाती है फिर बात समझ रहे ना तो वेट सम टाइम उन्होंने मुझसे अभी कहा सर आप जो कह दोगे वो करेंगे हम बहुत जल्दी विवेचना के लिए कुछ समय हम लोग ले लीजिए तो समय आपसे मांग रहे हैं अदरवाइज आप लोगों को अधिकार कहीं बैठिए और कुछ और भी रास्ता बताएंगे आपको क्राइम ब्रांच के जो IO हैं विनोद कुमार SI जो हैं उनके पास ट्रांसफर कर दी उन्होंने हमें लिखित में दिया कि 8 मई तक यानी कि एक महीने में 8 अप्रैल को देखा मैंने लिखित में मैं ये विवेचना कंप्लीट करके दोषियों को गिरफ्तार करूंगा हम यहाँ पे चले गए हम उसी में धरने बैठने आए थे लेकिन फिर भी हम चले गए गिरफ्तार नहीं करने वाले रास्ता बताएंगे तुमको पड़ी रहोगी मैं कुछ नहीं होने वाला मैं तुमको बता रहा हूँ रास्ता बताऊंगा सही बात है बिना करने वाले गिरफ्तार हम लोगों पर बताइए आप इसलिए आए हैं कि आप गिरफ्तार करा सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर यहाँ जनप्रतिनिधि पावर जो दोषी है वो गिरफ्तार नहीं हो सकता पावर की फुल फॉर्म बताइए सत्ता में है आप सब कुछ सत्ता में है जो दोषी है उस पर कम से कम कानूनी कार्रवाई तो हो ही सकती है मतलब सत्ता में रह के कार्रवाई हो सकती है लेकिन सत्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो मैंने आपको बताया ना दो आदमी को रास्ता बताऊंगा वहाँ जाना ये कितने दिन में अरेस्ट कर लेंगे जो मैं सोचा भी नहीं होगा जेल जाओ हम आप लोगों गाइडलाइन दे रहे हैं साथ रहो क्या चाहिए आपको टाइम खराब कर दो और रासुका तक लगा दिया दूसरे दिन रासुका कटी दिमाग से और हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि क्या मायावती गुड्डू पंडित को अपराधी बना रही है मीडिया वालों ने किस दिन लिखाड़ा ये चीज़ और लिखित में 5 पन्ने का ऑर्डर है उसमें लिखा है कि मिस्टर शर्मा तुम्हारी लाइफ स्पॉल की जा सकती है और मायावती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबरदस्ती अपराधी बना रही हो सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरी बात समझ जब मैंने FIR दर्ज की 14 अप्रैल को मुझे जान से मारने की धमकी देकर गया एक आदमी मैंने उसकी भी FIR दर्ज की कि मेरी जान को खतरा है क्या कार्रवाई की पुलिस ने उस पर अज्ञात था मैं जानती नहीं थी उसे मैं सिर्फ उसकी घबराहट के मारे नंबर तक नहीं नोट किया मैंने मुझे बाद में रियलाइज हुआ पेट्रोल सॉरी उसकी जो बाइक थी स्प्लेंडर पर था वो मुझे इतना याद रहा तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ढूंढना मुझसे कुछ तो पूछती कोई नहीं जान से तो वैसे भी मर रहे हैं हम अच्छा तो बालों में सुबह 1000 आदमी आता है तुम्हारी जैसी बहनी बहन बेटी अभी हजारों वहाँ सुबह रहती हैं अब काम करा के जाते हैं रास्ता बता देता हूँ वो ना करे तो ऐसे जाना बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे लड़ना रहता है बेटा अब तो बहनों हम साथ हैं कोई नहीं कर सकता आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन आई एम ए सोशल वर्कर व्हाई डू अंडरस्टैंड नेता होता तो मैं सारे दिन काम करता हूँ 1 घंटा नहीं सोने दिया मुझे अभी मैं गुड्डू भाई कहकर मैं 1 घंटा सोऊंगा तो वही बहन सुबह उतरा हूँ तो परेशान हो यहाँ पे अब कुछ सोल्यूशन निकालेंगे मिलकर हल करेंगे इस मामले को ये बताइए आपसे विधायक जी मिले क्या मामला था विधायक जी यहाँ आए केवल मीडिया पब्लिसिटी के लिए आए हमने उन्हें अपना मांग पत्र दिया अपनी समस्या उनके सामने रखी आए और ये वापस करके देखिए अभी वापस करके गए हैं यहाँ तो क्या कह रहे थे हमें धमका रहे थे कह रहे थे हंगर स्ट्राइक अपनी खत्म करो और बाद में मुझसे मिलो यानी कि हम अपना जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है वो भी हम खत्म कर दें कुछ ना करें हम उनका कहने का मतलब था कि
गोपाल दास सीनियर के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मतलब हम कुछ ना करें, हमारी जो मांगे हैं गिरफ्तारी की मांगे हम कुछ नहीं उठाएं, खाली अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दें। अब वो चले गए, आपकी स्ट्राइक को कितने दिनों का स्ट्राइक चलेगी आपकी? बिल्कुल हंगर स्ट्राइक हमारी जारी रहेगी जब तक के हमें न्याय नहीं मिलता है, मंगलायतन प्रशासन की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। सही, आज माननीय विधायक जी आए थे, क्या कह रहे थे आपसे? देखिए माननीय विधायक जी आए और डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि मैं सब कुछ करा सकता हूँ, हम लोगों ने सिर्फ एक बात रख दी कि आप कुछ मत कराइए, सिर्फ पवन जैन की गिरफ्तारी करा दीजिए, दोषियों को कार्रवाई करा दीजिए। तो बोले कि क्या मतलब, आप मेरे पास आइएगा, दो लोगों को मैं उपाय बताऊंगा, आपको भेजूंगा और मैं ये कराऊंगा। ये कोई बात हुई? अगर आप सत्ता में हैं, आप यहाँ लोकसभा के लोकसभा प्रत्याशी के पति हैं, तो आपको जो सत्ता में है आप कम से कम इतना चाहिए कि जो सीधे सीधे दोषी है उसको आप कार्रवाई कराइए और जेल भिजवाइए। बाकी की बात अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं रास्ता बताऊंगा, तो रास्ता बताने आपको कोई कोर्ट ही नहीं जाएगा, आपको एसएसपी ऑफिस में यहाँ पे भूख हड़ताल पे आना पड़ेगा, अन्यथा आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार से बैठे हुए हैं। बुला रहे थे आपको कोठी में? बुला रहे थे, अब जहाँ पे उनकी अलीगढ़ में कोठी होगी, क्या आप वहाँ आइए मैं बताऊंगा। ये कोई बात हुई? मीडिया पब्लिसिटी के इस तरह से के लिए जो है छात्रों के बीच आना, और इस तरह से कि लोग ये विज्ञापन उनका फेंक करके गए कि ये दे दो, आप मांग पत्र लेके जाते, विचार करते, हम लोग यहीं बैठे थे, आपकी बातों पे हम जो विचार करते और जो है मानते भी, ये कोई बात नहीं हुई। क्या कहना चाहते? आज जो वीसी ने ओपन लेटर अखबारों में आया है, आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने चार प्रस्ताव हमारे सामने रखे हैं जो कि छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, एक तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है फीस वापसी का, जो कि वो कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपए जो आपकी फीस है केवल वो वापस कर देंगे। दूसरा प्रस्ताव है उनका कि बीएड कर लो हमारे यहाँ से 2012 में, जो अब उनको नए सेक्शन से मान्यता मिल गई है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बीएड में दाखिला ले चुके हैं इसी सत्र में 2012 में, और कुछ बच्चे अपना एमए एमएससी कर रहे हैं, तो वो अपना साल बर्बाद नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कही है कि हमारे जो उनके एजुकॉम के स्कूल्स हैं उसमें वो हमें जॉब देंगे, वो भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि जो एडुकॉम का स्कूल, तो पहली बात तो जनपद में अलीगढ़ में आसपास में कोई है नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आरटीई के तहत अगर हम एलिजिबल ही नहीं है, बीएड ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से जॉब कर लेंगे उनके स्कूल से? ये बिल्कुल बिल्कुल भी निराधार, एकदम बेकार से, फजूल से ऑफर्स लेकर आए हैं, हम ये कहना चाहते हैं। कुछ लोग आज भी हैं, कल भी पांच ही थे जी, क्रमिक अनशन जारी है हमारा, पांच लोग हड़ताल पर हैं। कौन कौन पांच लोग हैं, नाम बताइए? क्रमिक भूख हड़ताल पर है प्रियंका गौर, तेरा चाचा आयो करो, चलो।